मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पिछले कुछ सालों से रिक्शा और टैक्सी चालक यात्रियों को लूट रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एक यात्री को लूटने वाले रिक्शा और टैक्सी चालक के खिलाफ तिलक नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कुछ रिक्शा और टैक्सी चालक आसपास की दूरी की यात्रा के लिए यात्रियों से भारी किराया वसूल कर रहे हैं। ये डकैती कई सालों से चल रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए आए दिन यात्रियों से लूटपाट जारी है। इसी बीच दो दिन पहले कुल्ला इलाके में रहने वाले मोहम्मद चांद अपने गांव जाने के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस आए थे। इसी दौरान टैक्सी चालक सतीश सिंह उम्र 40 साल और रिक्शा चालक आशीष सपकाल उम्र 23 साल ने चांद से जबरन 700 रुपए ले लिए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तिलक नगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत मामला दर्ज कर लिया। यात्री चांद से संपर्क कर पुलिस को रिक्शा और टैक्सी चालक के बारे में जानकारी मिली। इसके मुताबिक पुलिस ने जांच की और दोनों आरोपियों को चेंबूर के सुभाष नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने इसी तरह से कई यात्रियों से लूटपाट की है और पुलिस आगे के मामले की जांच कर रही है।